गुड मॉर्निंग एवरी वन. टुडे वी विल कंटिन्यू द टॉपिक वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर ऑफ चैप्टर वन. लास्ट टर्न पे आई थिंक हार्ड डिस्क हमने एक्सप्लेन किया था. नाउ टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट द हार्ड ड्राइव कंसिस्ट नो पेज नंबर 7. अ हार्ड ड्राइव कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग मैग्नेटिक प्लेटर्स. फर्स्ट इज मैग्नेटिक प्लेटर्स. Magnetic platters are the round plates. Each platter holds a certain amount of information. Magnetic platters क्या होते हैं? ये basically structure है hard disk का ना. Hard disk में data किस तरह store होता है, कैसे retrieve होता है वहाँ से, उसका inner structure क्या होता है वो हम discuss कर रहे हैं. Magnetic platters जो है वो round plates की तरह होते हैं. Each platter holds a certain amount of information. हर platters में information का storage होता है. So a drive with a lot of storage will have more platters than one with less storage. जिस ड्राइव में बहुत सारा स्टोरेज होता है, बहुत सारे प्लेटर्स होते हैं उसमें ज़्यादा स्टोरेज होता है, और जहाँ कम प्लेटर्स होते हैं वहाँ कम स्टोरेज होता है. व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव फ्रॉम प्लेटर्स इट टर्न इज सो कंसेंट्रिक सर्कल्स कॉल्ड ट्रैक्स विच आर फर्दर ब्रोकन डाउन इंटू सेगमेंट्स कॉल्ड सेक्टर. जो भी इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव करते हैं हार्ड डिस्क से और उसमें स्टोर करते हैं वो कहाँ स्टोर होती है? ट्रैक्स और सेक्टर्स में स्टोर होती है. ट्रैक्स बेसिकली कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं जो आगे ब्रेक डाउन हो जाते हैं सेक्टर्स में, कुछ सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाते हैं जिनको हम सेक्टर्स बोलते हैं. नेक्स्ट इज आर्म. आर्म इज अ पीस स्ट्रिकिंग आउट ओवर द प्लेटर्स. आर्म जो है वो जो ट्रैक्स जो इंफॉर्मेशन का स्टोरेज होता है वहाँ पर जो प्लेटर्स के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर होती है वहाँ पर स्टिक आउट करता है, एक पार्ट है इसका. द आर्म विल कंटेन रीड एंड राइट हेड्स विच आर यूज टू रीड एंड स्टोर द मैग्नेटिक इन्फॉर्मेशन इन टू द प्लेटर्स. आर्म में क्या होता है, उसमें रीड राइट हेड्स होते हैं जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हैं मैग्नेटिक प्लेटर्स में. ईच प्लेटर्स विल हैव इट्स ओन आर्म एंड इज यूज टू रीड एंड राइट डाटा ऑफ इट. हर एक प्लेटर्स पे अपना अलग आर्म होता है जो डाटा को रीड एंड राइट करता है. नेक्स्ट इज मोटर. द मोटर इज यूज टू स्पिन द प्लेटर्स फ्रॉम 4500 टू 50,000 रोटेशंस पर मिनट. द फास्टर द आरपीएम ऑफ ड्राइव द बेटर परफॉर्मेंस यू विल अचीव फ्रॉम इट. मोटर, इसके अंदर एक मोटर होता है जो प्लेटर्स को स्पिन करता रहता है. कितने टाइम स्पिन करता है ये? 4500 टू 15,000 रोटेशन पर मिनट. जिसका जिस प्लेटर्स पर रोटेशन फास्टर होता है, इट मींस रोटेशन पर मिनट आरपीएम जिसका फास्टर होता है वो ड्राइव जो है बेटर परफॉर्मेंस देता है. व्हेन अ कंप्यूटर वांट्स टू रिट्रीव डाटा ऑफ द हार्ड ड्राइव द मोटर विल स्पिन अप द प्लेटर्स एंड आर्म विल मूव इटसेल्फ टू अप्रोप्रिएट पोजीशन अबव द प्लेटर वेयर द डाटा इज स्टोर. जब भी हमको हार्ड ड्राइव से डाटा रिट्रीव करना होता है तो मोटर जो है वो स्पिन अप करता है और उस प्लेटर्स का, और जो आर्म होते हैं उसमें वो इटसेल्फ उस पोजीशन पर मूव हो जाते हैं जहाँ से हमको डाटा लेना है, जो अप्रोप्रिएट पोजीशन है जहाँ से डाटा रिट्रीव करना है उस पोजीशन पर ऑटोमेटिकली वो मूव हो जाते हैं. द हेड्स ऑन द आर्म विल डिटेक्ट द मैग्नेटिक बिट्स ऑन द प्लेटर्स एंड कन्वर्ट देम इनटू द अप्रोप्रिएट डाटा. जो हेड्स होता है जो आर्म के ऊपर वो क्या करता है, मैग्नेटिक बिट्स को डिटेक्ट करता है. प्लेटर्स पर जो मैग्नेटिक बिट्स होते हैं उनको डिटेक्ट करता है एंड कन्वर्ट देम इनटू अप्रोप्रिएट डाटा, और उन्हें डाटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिस टाइप का डाटा हम कंप्यूटर में यूज़ करना चाहते हैं. कन्वर्सली देम डाटा इज सेंड टू द ड्राइव. द हेड्स विल दिस टाइम सेंड मैग्नेटिक पल्सेस टू द प्लेटर्स फॉर चेंजिंग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेटर. जब डाटा हार्ड ड्राइव को सेंड होता है, हार्ड ड्राइव को हम सेंड करते हैं तो क्या होता है, हेड्स विल दिस टाइम सेंड मैग्नेटिक पल्सेस टू द प्लेटर. मैग्नेटिक पल्सेस जो है वो प्लेटर को सेंड करता है हेड और चेंजिंग फॉर चेंजिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द प्लेटर. इससे क्या होता है, प्लेटर्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज चेंज होती है और इन्फॉर्मेशन हार्ड डिस्क पर स्टोर हो जाती है. नेक्स्ट इज सी डी रोम. कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. सी डी रोम स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी. सी डी रोम इज अ स्मॉल स्पाइरल डिस्क फ्रॉम विच डाटा इज रिट्रीव यूजिंग अ लेजर बीम. सी डी रोम कैसा डिस्क है, ये एक स्पाइरल डिस्क है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, सर्कुलर शेप में होता है, आपने देखी होगी सीडी एंड डीवीडी सभी ने. एंड डाटा इज रिट्रीव यूजिंग द लेजर बीम. इसमें जो डाटा रिट्रीव होता है वो लेजर बीम के थ्रू करते हैं. द डाटा स्टोरेज इन इट
द डाटा स्टोर्ड इन इट कैन नॉट बी चेंज बट कैन ओनली बी रीड. इसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है सीडी के अंदर, उसे हम चेंज नहीं कर सकते बट उसे केवल रीड कर सकते हैं. सीडी रोम इज मेड अप ऑफ पिट्स एंड लैंड. सीडी रोम जो है वो टू पार्ट से मिलकर बना होता है, दैट इज पिट्स एंड लैंड. पिट्स एंड लैंड्स आर स्मॉल कट्स बिटवीन द डिस्क. क्या होते हैं पिट्स एंड लैंड? ये डिस्क के बीच में जो है स्मॉल कट्स होते हैं. पिट्स स्कैटर लाइट एंड द लैंड रिफ्लेक्ट्स द लाइट. पिट जो है पार्ट है वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर्स करता है, और जो दूसरा पार्ट है लैंड वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. द लाइट दैट स्ट्राइक द लैंड एंड रिफ्लेक्टेड डायरेक्टली बैक टू द डायरेक्टर. जो लाइट जो है वो क्या करती है, जो द लाइट दैट स्ट्राइक द लैंड, जो लैंड पर जो लाइट स्ट्राइक होती है वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाती है, बैक टू द डिटेक्टर, डिटेक्टर पर जाती है. द लाइट पल्स इज रिट्रीव एट द डिटेक्टर एंड कन्वर्टेड इनटू बाइनरी कोड्स. और ये जो रिफ्लेक्ट होती है वो क्या करती है, बाइनरी कोड्स में इसको डिटेक्टर जो है वो कन्वर्ट कर देता है, दैट इज जीरो एंड वन. बाइनरी कोड्स कौन से होते हैं, जीरो एंड वन. दिस ऑल द इन्फॉर्मेशन इज रीड फ्रॉम द सीडी. और इन्फॉर्मेशन हम सीडी से रीड कर पाते हैं. हियर द स्ट्रक्चर ऑफ सीडी रोम आर देयर. ऑल दीज पार्ट्स आर शोइंग हियर, डिस्क, रिलेटिव रिफ्लेक्टिव सरफेस, पिट्स एंड लैंड. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज मॉनिटर. मॉनिटर गिव्स एन इंस्टेंट फीडबैक बाय डिस्प्लेइंग टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स एज वी फीड. मॉनिटर जो है वो क्या करता है, हमको इंस्टेंट फीडबैक देता है. जो भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स, जो डाटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं सिस्टम को, कंप्यूटर को, उसका जो इंस्टेंट फीडबैक है वो मॉनिटर पर मिलता है. इट मींस इमीडिएटली जो शो होता है डाटा वो कहाँ होता है, मॉनिटर पर शो होता है. मोस्ट ऑफ द डेस्कटॉप मॉनिटर्स यूज अ सीआरटी. मोस्टली जो डेस्कटॉप मॉनिटर होते हैं वो सीआरटी मॉनिटर्स होते हैं. सीआरटी स्टैंड्स फॉर कैथोड रे ट्यूब. वेयर इज पोर्टेबल कंप्यूटर सच एज लैपटॉप, पाम टॉप एक्सेट्रा यूज LCD. जो पोर्टेबल कंप्यूटर्स होते हैं, लैपटॉप पाम टॉप, वो क्या यूज़ करते हैं, LCD स्क्रीन यूज़ करते हैं. लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD स्टैंड्स फॉर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. मॉनिटर इनेबल्स अस टू व्यू ऑल द इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स एंड मूवीज. मॉनिटर क्या करता है, मॉनिटर का यूज़ क्या है, ग्राफिक्स एंड मूवीज जो है व्यू करने के लिए हम उसे यूज़ करते हैं. उस पर मूवीज और ग्राफिक्स शो हो सकते हैं. कंप्यूटर मॉनिटर इज मेड अप ऑफ टाइनी डॉट्स कॉल्ड पिक्सल्स. कंप्यूटर मॉनिटर पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं, जिनको मॉनिटर की जो स्क्रीन होती है, इनर स्क्रीन होती है, उस पर छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जिसको हम पिक्सल्स बोलते हैं. दीज पिक्सल्स हेल्प्स टू क्रिएट एन इमेज. ये पिक्सल्स क्या करते हैं, इमेज क्रिएट करते हैं. इन पिक्सल्स की हेल्प से स्क्रीन पर इमेज क्रिएट होती है. मॉनिटर वर्क्स विद थ्री कलर्स, दैट इज रेड, ग्रीन एंड ब्लू, कॉल्ड RGB. मॉनिटर जो है बेसिकली थ्री कलर्स पे वर्क करता है, दैट इज RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू. दीज ग्लोइंग डॉट्स ऑफ RGB ब्लेंड इनटू मिलियंस ऑफ कलर्स. ये जो थ्री कलर्स के डॉट्स होते हैं वो क्या करते हैं, मिक्स होकर डिफरेंट टाइप के कलर्स बनाते हैं. RGB, ये जो रेड, ग्रीन, ब्लू है, दीज आर द बेसिक कलर्स, और इन कलर की मिक्सिंग से डिफरेंट कलर्स ये क्रिएट करते हैं. ऑन द बैक ऑफ द CRT देर आर थ्री इलेक्ट्रॉन गन्स फॉर थ्री प्राइमरी कलर्स. जो CRT है, जो कैथोड रे ट्यूब जो है, इसके बैक में क्या होता है, थ्री इलेक्ट्रॉन गन्स फॉर थ्री प्राइमरी कलर्स. ये जो प्राइमरी कलर्स हैं रेड, ग्रीन एंड ब्लू, इनके लिए इलेक्ट्रॉन गन्स होती हैं. ईच इलेक्ट्रॉन गन शूट्स आउट अ स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. हर एक इलेक्ट्रॉन गन्स क्या करती है, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शूट आउट करती है. ईच फॉर दीज प्राइमरी कलर्स. ये जो हर एक प्राइमरी कलर्स है, तीन प्राइमरी कलर्स हैं, इनके लिए ये गन्स होती हैं. दीज इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द फॉस्फोरस कोटिंग इन साइड द स्क्रीन. ये इलेक्ट्रॉन जो है वो स्ट्राइक करते हैं किस पर, जो स्क्रीन के इनसाइड जो फॉस्फोरस कोटिंग होती है उस पर, दैट ग्लोज व्हेन इट स्ट्रक बाय द इलेक्ट्रॉन. वो क्या, और वो जो कोटेड स्क्रीन होती है वो क्या करती है, ग्लो करती है. इन दिस वे द पिक्चर्स आर फॉर्म ऑन द पिक्सल्स. तो पिक्सल्स पर जो है पिक्चर फॉर्म होती है. नेक्स्ट इज कीबोर्ड. कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस. वी कैन टाइप टेक्स्ट एंड इंस्ट्रक्शंस यूजिंग कीबोर्ड. कीबोर्ड कैसा डिवाइस है,
कीबोर्ड बेसिकली मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड के थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा प्रोवाइड करते हैं, इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है कीबोर्ड। कीबोर्ड कंटेन्स सम स्पेशल कीज, जस्ट फंक्शन कीज F1 to F12। कीबोर्ड में जो टॉप मोस्ट रो होती है जिस पर F1 to F12 कीज होती है, दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन कीज। एंड कंट्रोल कीज सच एज कंट्रोल ऑल्ट, और बोथ साइड कीबोर्ड के कुछ कीज होती हैं, जैसे शिफ्ट कंट्रोल ऑल्ट, ऑल दीज आर कॉल्ड कंट्रोल कीज। व्हेन दीज कंट्रोल कीज आर प्रेस इन द कॉम्बिनेशन विद अदर कीज, कंट्रोल कीज को अदर कीज के कॉम्बिनेशन में प्रेस करते हैं, सेंड डिफरेंट मैसेजेस टू द प्रोसेसर टू कंप्लीट द टास्क। शिफ्ट की के साथ या कंट्रोल की के साथ, ऑल्ट की के साथ हम डिफरेंट कीज प्रेस करते हैं, तो ये क्या करती हैं, डिफरेंट मैसेजेस को सेंड करती हैं प्रोसेसर को। व्हेन वी प्रेस एनी की ऑफ द कीबोर्ड, द फंक्शनिंग ऑफ द कीबोर्ड स्टार्ट। जब भी हम कीबोर्ड पर कोई की प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। ईच की इज कनेक्टेड विद अ सर्किट, हर की का अपना सर्किट होता है। व्हेन अ की इज प्रेस्ड और रिलीज, देर इज़ एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द करंट रिलेटिव टू द की। जब भी किसी की को प्रेस किया जाता है, उसको रिलीज किया जाता है, तो क्या होता है, जो भी रिलेटिव करंट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। अ माइक्रो प्रोसेसर रीड अ फ्लक्चुएशन इन द करंट कॉन्स्टेंटली एंड अकॉर्डिंगली प्रोड्यूस अ यूनिक नंबर कॉल्ड स्कैन कोड। माइक्रो प्रोसेसर जो है, जो कॉन्स्टेंटली जो करंट का फ्लक्चुएशन हो रहा है उसको रीड करता है और एक यूनिक नंबर जनरेट करता है, दैट इज स्कैन कोड। देर आर टू सेट्स ऑफ स्कैन कोड फॉर ईच की एक्शन, हर एक की एक्शन के लिए दो सेट ऑफ स्कैन कोड्स होते हैं, टू सेट्स ऑफ स्कैन कोड होते हैं, वन व्हेन वी प्रेस एनी की एंड अदर व्हेन वी रिलीज द की। एक जब हम की को प्रेस करते हैं और दूसरा जब हम की को रिलीज करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम रीड्स द मैसेज फ्रॉम कीबोर्ड माइक्रो प्रोसेसर एंड ट्रांसलेट इट इन टू लेटर अकॉर्डिंगली। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कीबोर्ड से वो मैसेज रीड करता है, माइक्रो प्रोसेसर से मैसेज को रीड करता है एंड ट्रांसलेट इट इनटू द लेटर अकॉर्डिंगली, और उसको लेटर के फॉर्म में ट्रांसलेट करता है, जिससे वो लेटर हमको मॉनिटर की स्क्रीन पर प्रिंट होता हुआ दिखता है। नेक्स्ट इज माउस। माउस हेल्प अस टू ऑपरेट द कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन पिक्चर्स इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स। माउस क्या करता है, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग कमांड्स, यानी कमांड टाइप करने के प्लेस पर कैसे ऑपरेट कर सकते हैं हम माउस से, बाय क्लिकिंग ऑन पिक्चर्स, पिक्चर्स को क्लिक करके हम ऑपरेट करते हैं इसको। व्हेन वी ड्रैग द माउस ऑन अ फ्लैट सरफेस, अ रबर बॉल इनसाइड इट प्लगिंग आउट फ्रॉम द अंडर साइड ऑफ द माउस टर्न्स इन डायरेक्शन टू मूव ऑफ मूवमेंट। जब माउस को मूव करते हैं तो क्या होता है, व्हेन वी ड्रैग द माउस, माउस को किसी फ्लैट सरफेस पर जब ड्रैग करते हैं तो जो रबर बॉल उसमें लगा हुआ होता है इनसाइड, वो क्या होता है, एकदम प्लगिंग आउट फ्रॉम द अंडर साइड से वो एकदम उभर कर ऊपर आता है। ऑफ माउस टर्न इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट, और उससे माउस का जो है डायरेक्शन चेंज होता है, उसका मूवमेंट चेंज होता है। द बॉल वाइल रोटेटिंग टचेज एंड टर्न्स टू रोलर्स माउंटेड एट 90 degrees ऑफ टू ईच अदर। वन उस पर टू रोलर्स होते हैं, वन रोलर्स रिस्पॉन्ड टू बैक एंड फॉर्थ मूवमेंट ऑफ द माउस। जो एक रोलर होता है वो क्या करता है, माउस के फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट को कंट्रोल करता है, वाइल अदर रोलर सेंसेस साइडवाइज मूवमेंट। और जो दूसरा रोलर होता है वो क्या होता है, साइडवेज मूवमेंट को कंट्रोल करता है। दीज मूवमेंट्स प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स which indicate the distance and direction in which the mouse is moving। ये जो movements होते हैं ये electrical signals produce करते हैं, जो क्या करते हैं mouse का जो direction है और उसका distance है उसको indicate करते हैं, जो माउस मूवमेंट का जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम कन्वर्ट्स सिग्नल्स इनटू मैसेजेस एंड कर्सर मूव्स ऑन द स्क्रीन। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सिग्नल्स को मैसेजेस में कन्वर्ट करता है। जब स्क्रीन पर माउस कर्सर मूव होता है, आप देखते हो कई सारे बीच बीच में मैसेजेस आते हैं, तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिग्नल्स को मैसेजेस में कन्वर्ट करता है और आपको स्क्रीन पर मैसेजेस शो होते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंटर। अ प्रिंटर इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस विच कन्वर्ट द टेक्स्ट एंड ग्राफिकल डॉक्यूमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू द फिजिकल फॉर्म। प्रिंटर कैसा डिवाइस है, प्रिंटर बेसिकली आउटपुट डिवाइस है जो हमारे सिस्टम से हम अटैच करते हैं प्रिंटिंग के लिए। इट्स अ इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द टेक्स्ट एंड ग्राफिकल डॉक्यूमेंट इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म टू फिजिकल फॉर्म। जो हमारे टेक्स्ट और ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इट मीन्स इट विल क्रिएट हार्ड कॉपी
पेपर पर जब हमको प्रिंट करना होता है किसी टेक्स्ट को, ग्राफिक्स को, डॉक्यूमेंट को, तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्रिंटर का. जनरली दे आर द एक्सटर्नल पेरिफेरल डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड विद द कंप्यूटर्स और लैपटॉप थ्रू अ केबल और वायरलेसली टू रिसीव इम्पैक्ट डेट एंड प्रिंट देम ऑन टू द पेपर. ये कैसा डिवाइस है? दिस इज अ एक्सटर्नल पेरिफेरल. एक्सटर्नल डिवाइस है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट वी कैन कनेक्ट विद आवर कंप्यूटर्स. हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको कभी भी कनेक्ट कर सकते हैं और डिसकनेक्ट कर सकते हैं. और लैपटॉप थ्रू द केबल और वायरलेसली, लैपटॉप में भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं, केबल के थ्रू भी और वायरलेसली. ये क्या करता है? प्रिंट पेपर के ऊपर हमारी इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करता है. अ वाइड रेंज ऑफ प्रिंटर्स आर अवेलेबल विद वैरायटी ऑफ फीचर्स. कई सारे प्रिंटर्स हमको अवेलेबल हैं आजकल जिनमें डिफरेंट टाइप के फीचर्स हैं, रेंजिंग फ्रॉम प्रिंटिंग ब्लैक एंड वाइट टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और टू हाई क्वालिटी कलर्ड ग्राफिक इमेजेस. जिनसे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटिंग जो है वो अच्छी क्वालिटी की हम कर सकते हैं और ग्राफिक्स जो इमेजेस हैं हाई क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हाई क्वालिटी इमेजेस को भी प्रोड्यूस करता है. देर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर. फर्स्ट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड द नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. टू कैटेगरीज ऑफ प्रिंटर हैं यहाँ पर. फर्स्ट इम्पैक्ट प्रिंटर है. इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर्स होते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रोड्यूस आउटपुट बाय प्रेसिंग अ प्रिंट एलिमेंट एंड एन इंक ड्रिवन अगेंस्ट द फेस ऑफ कंटिन्यूस पेपर फॉर्म. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या करता है? प्रोड्यूस द आउटपुट बाय प्रेसिंग प्रिंट एलिमेंट जो एंड एन इंक रिबन अगेंस्ट द फेस ऑफ कंटिन्यूस पेपर फॉर्म. एक इंक रिबन लगा होता है, आपने देखा होगा जब भी प्रिंटिंग होती है तो एक रिबन टाइप का दिखता है, जिस जब पेपर रोल होता रहता है तो वहाँ पर एक इंक रिबन होता है उसके फेस पर. एंड द रिबन स्क्वीजेज इंक ऑन टू द पेपर. ये रिबन क्या करता है? पेपर के ऊपर इंक को स्क्वीज करता है. इम्पैक्ट प्रिंटर आर फर्दर क्लासिफाइड एज. इम्पैक्ट प्रिंटर को आगे टू पार्ट्स में और क्लासिफाई किया गया है, दैट इज लाइन प्रिंटर एंड कैरेक्टर प्रिंटर्स. लाइन प्रिंटर्स प्रोड्यूस आउटपुट बाय प्रिंटिंग वन लाइन एट अ टाइम. लाइन प्रिंटर कैसे होते हैं? ये वन लाइन एट अ टाइम प्रिंट करते हैं. ड्रम प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर. लाइन प्रिंटर का बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? ड्रम प्रिंटर. एंड द नेक्स्ट इज कैरेक्टर प्रिंटर. कैरेक्टर प्रिंटर्स प्रिंट कैरेक्टर एट अ टाइम. वन कैरेक्टर एट अ टाइम जो प्रिंट करते हैं दैट इज कैरेक्टर प्रिंटर. एंड प्रिंट हैड कंटेन्स अ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स. इनका जो प्रिंट हैड होता है उसमें मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स होते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर. ये जो प्रिंटर होते हैं वो कैरेक्टर्स को डॉटेड फॉर्म में प्रिंट करते हैं. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. एंड द नेक्स्ट इज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. नॉन इम्पैक्ट जो कैटेगरी है उस कैटेगरी के प्रिंटर कैसे होते हैं? इट्स अ डिफरेंट फ्रॉम इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर से डिफरेंट होते हैं. द टू मोस्ट कॉमनली यूज नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर. कौन से हैं दो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कॉमनली यूज किए जाते हैं? दैट इज इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर. स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर. स्मॉल प्रिंटर जो है वो कैसे प्रिंटिंग करते हैं? इसमें जो कैरेक्टर जनरेट होते हैं, जो प्रिंट होते हैं, वो कैसे होते हैं? स्मॉल शूटिंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर. जो इंक की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो पेपर पर वो शूट करते हैं. एंड डिफरेंट टेक्निक्स आर यूज टू स्प्रे द ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन टू द पेपर. ये जो स्प्रे करते हैं ड्रॉपलेट्स को, उसके लिए जो डिफरेंट टेक्निक्स यूज करते हैं वो कौन सी होती है? इन द थर्मल हीटिंग प्रोसेस. थर्मल हीटिंग प्रोसेस और बबल इंकजेट टेक्नोलॉजी. इंक इज हीटेड फ्रॉम वन एंड टू मोर देन 300 सेल्सियस. इसमें जो हीट जो इंक होती है वो उस कितना उसका टेम्परेचर होता है? 300 डिग्री सेल्सियस. एंड वेपराइज इंक फॉर्म्स अ बबल. और जब वो वेपराइज होती है तो जो वेपर्स होते हैं इंक के वो क्या करते हैं? बबल्स फॉर्म करते हैं. व्हेन द बबल एक्सपेंड अ ड्रॉप ऑफ इंक इज फोर्स्ड आउट ऑनटू द प्रिंट हेड. जब बबल एक्सपेंड होते हैं तो वो क्या करते हैं? स्क्रीन के जो प्रिंट वो प्रिंटर का जो प्रिंट हेड होता है उस पर फोर्स आउट करते हैं और कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं. नेक्स्ट इज लेजर प्रिंटर. लेजर प्रिंटर्स प्रिंट अ पेज एट अ टाइम. जो प्रिंटर वन पेज एट अ टाइम प्रिंट करते हैं दैट इज लेजर प्रिंटर. एक बार में पूरा एक पेज प्रिंट करते हैं. दे यूज अ लेजर डायोड टू राइट इन्फॉर्मेशन ऑन टू द ड्रम कोटेड विद फोटो सेंसिटिव मटेरियल. ये क्या करते हैं? लेजर बीम का यूज होता है इसमें. लेजर डायोड या लेजर बीम का यूज होता है इन्फॉर्मेशन को प्रिंट करने के लिए. राइट इन्फॉर्मेशन ऑन टू द ड्रम कोटेड विद फोटो सेंसिटिव मटेरियल. एंड व्हेन दिस मटेरियल कम्स विद कॉन्टेक्ट इन कॉन्टेक्ट विथ लेजर बीम. इसमें एक कोटिंग होती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल्स की. इस मटेरियल ये मटेरियल के जब लेजर बीम के कॉन्टेक्ट में आता है
तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस प्रोड्यूस, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज प्रोड्यूस होता है, एंड स्पेशल इंक इज स्प्रिंकल ऑन द ड्रम, और ड्रम पर जो है स्पेशल इंक जो है वो स्प्रिंकल होती है, विच स्टिक टू द चार्ज्ड एरिया ऑफ ड्रम, जिस एरिया जो एरिया उस के कॉन्टेक्ट में है लेज़र बीम के, उस एरिया पर जो है वो चार्ज होती है एंड फॉर्मिंग एन इमेज, और क्या होती है, इमेज को फॉर्म करती है। एज द ड्रम रोटेट्स द पेपर इज रैप्ड अराउंड इट एंड द इमेज इज प्रिंटेड ऑन टू द पेपर, जैसे जैसे वो ड्रम रोटेट होता जाता है पेपर उसके साथ रैप होता जाता है और इमेज जो है वो प्रिंट होती जाती है पेपर के ऊपर। रोलर्स एंड हीटर्स आर यूज टू फ्यूज द इंक ऑन द पेपर एंड द कलर लेजर प्रिंटर गिव अ प्रिंट आउट ऑन द पेपर इन फोर कलर्स, जो कलर लेज़र प्रिंटर होते हैं वो फोर कलर्स में जो है वो प्रिंट आउट देते हैं पेपर के ऊपर प्रिंट करते हैं। एज वी गेट एन एक्चुअल प्रिंटिंग प्रोसेस नाउ अ डेज इट इज़ यूज इवन बाय फोटोग्राफ्स टू मेक कॉपीज ऑफ फोटोज चेक बाय देयर डिजिटल कैमरा। आज जो लेज़र प्रिंटर आज के टाइम में यूज़ हो रहे हैं उसमें क्या होता है, ये ओनली टेक्स्ट के लिए ही नहीं फोटोग्राफ्स भी प्रिंट कर सकते हैं, फोटोग्राफ्स की कॉपीज़ भी प्रिंट की जाती हैं इनसे, जो हमारे डिजिटल कैमरा से जो फोटोज़ निकाली जाती है उसको भी प्रिंट करने के लिए लेज़र प्रिंटर का यूज़ होता है। सो स्टूडेंट्स आई थिंक इट्स ओके फॉर टुडे, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड, सो थैंक यू ऑल, हैव अ नाइस डे।